Hello children, Ravi sir here. Dear children, today we are going to start with a new chapter, Manufacturing Industries, the 13th unit in the Geography section of your Social Science textbook for class 10. Before we move on with the chapter, first let's have a look at the main points that we are going to discuss in this chapter. First, we shall see the meaning and importance of industries, then classification of industries, agro-based industries, then mineral-based industries, and finally industrial pollution and environmental degradation. In today's session, we are going to discuss the meaning and importance of industries. So, let's get started. Dear children, now, what is meant by industry? Industry ka matlab kya hota hai? To, aap dekh sakte ho, the process of transforming natural resources into usable commodities for economic gain is called an industry. Yana, natural resources ko यूजेबल कॉमोडिटीज राइट कॉमोडिटीज यानी गुड्स चीजें यूजेबल कॉमोडिटीज में ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है किसके लिए फॉर इकोनॉमिक गेन उसे क्या कहते हैं इंडस्ट्री राइट बच्चों इंडस्ट्री का ये पॉइंट है हम ऑलरेडी ओके पहले ही चैप्टर नंबर 15 में डिटेल में डिस्कस कर गए हैं फिर भी मैं आपसे फिर से मैं समझाता हूं आपको कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं बच्चों राइट अब उन नेचुरल रिसोर्सेस को जो का त्यों एज इट इज हम हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल तो नहीं कर सकते राइट ना और इसीलिए पहले तो उनको उन पर एक प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं बच्चों उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोसेस करके उस नेचुरल रिसोर्सेस को फिनिश्ड गुड्स या तो यूजेबल कॉमोडिटीज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें और उसका मेन पर्पस क्या होता है आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने देखा यस इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं कि जिसमें कोई ना कोई इकोनॉमिक गेन हो पैसा कमा आता हो या तो जाता हो तो उसे उस एक्टिविटी को उस प्रोसेस को क्या कहते हैं इंडस्ट्री कहते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं For example, the process of transforming sugar cane into sugar, jaggery, etc. to be sold in market. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं इंडस्ट्री कहते हैं देखिए बच्चों sugar cane जब प्रोड्यूस होती है राइट sugar cane प्रोड्यूस होती है तो उस sugar cane को आप डायरेक्टली एज अ शुगर शुगर के फॉर्म में आप चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टली शुगर केन को चलो कि पीसेस कर दिए उसके पीसेस करके वो उबलते हुए पानी में उसके पीसेस डाल दिए शुगर केन के और आपकी चाय तैयार हो जाएगी नहीं होगी बच्चों चाय बनाने के लिए हमें चाहिए होती है शुगर चीनी चाहिए राइट तो अब इस शुगर केन को क्या किया जाता है बच्चों उसे मिल्स में ले जाया जाता है उस शुगर मिल में क्या होता है उस शुगर मिल में इस शुगर केन को ट्रांसफॉर्म करके उसके उस गन्ने का रस निकाल लिया जाता है जूस निकाल लिया जाता है और उस जूस में से जैगरी है चीनी है राइट शुगर है ये सारी चीजें बनाई जाती है अब उस
चीनी को, उस शुगर को या जैगरी को हम डायरेक्टली खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो ये जो प्रोसेस शुगर केन पर जो प्रोसेस हुई बच्चों, तो ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इसे इंडस्ट्री कहा जाएगा, इस एक्टिविटी को इंडस्ट्री कहा जाएगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल मैं देता हूं, चलो कि सपोज ये रहा कॉटन आपका, राइट, ये कॉटन है, राइट ना। अब बच्चों ये कॉटन का ये प्लांट है, राइट, कॉटन का ये प्लांट है। अब इस कॉटन को आप डायरेक्टली कपड़े की तरह आप पहन सकते हो, बिल्कुल नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, तो उस कॉटन को भी कॉटन मिल में भेजा जाता है, यू नो, कॉटन टेक्सटाइल मिल में भेजा जाता है, जहां उस कॉटन के फाइबर्स को सेग्रीगेट करके उनमें से एक कॉटन, एक कपड़ा तैयार किया जाता है। उस कपड़े में से फिर कपड़े बनते हैं, राइट ना, क्लोथ में से वेरियस काइंड्स ऑफ गारमेंट्स बनते हैं। अब वे कपड़े हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस हुई, उस कॉटन पे जो प्रोसेस हुई बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे, राइट, समझ गए आप, ओके, आगे बढ़े। अब देख, मीनिंग हमने समझ लिया बच्चों, फिर से कहूंगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल रिसोर्सेस इनटू यूजेबल कॉमोडिटीज फॉर इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। नेचुरल रिसोर्सेस को यूजेबल कॉमोडिटीज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, फॉर इकोनॉमिक गेन, पैसा कमाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे, राइट। अब देखते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट बच्चों। आपको ये क्वेश्चन बार बार ये बोर्ड में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, दैट्स व्हाई। चलो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, वो इम्पॉसिबल होता है विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर उस कंट्री में, उस देश में अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, नेचुरली प्रोडक्शन कम होगा, राइट, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, इनकम कम होगी देश को, राइट ना, लोगों को नौकरियां भी नहीं मिलेगी। अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो तो प्रोडक्शन भी जबरदस्त होगा, देश को इनकम भी बड़ी अच्छी मिलेगी, लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेगी, राइट, और इस प्रकार देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल बनता है। कंट्रीज विच आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड, ओके, विच आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैव बिकम द इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो देश जिनमें जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही विकसित हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, वो देश हैव बिकम द इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस बन गए हैं बच्चों, राइट। यानी पहला जो स्टेटमेंट था वही उसका आप रिपीटेशन कह सकते हो कि इंडस्ट्रियली डेवलप हो तो ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन बन सकता है, राइट। आगे, फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीज लाइक यूएसए, रशिया, जापान,
and South Korea are called the economically developed nations of the world. Why? Because their industrial development is more. आपने कई बार सुना होगा कि USA, Japan, Russia, South Korea ये सारे कौन से देश है बच्चों? Yes, economically developed nations कहे जाते हैं, right? भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह कुछ देश है, उन्हें डेवलपिंग कहते हैं, हम चैप्टर नंबर 15 में देख गए हैं। तो यही देश क्यों इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस, विकसित देश क्यों कहे गए? क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ज्यादा है बच्चों, राइट? बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहां पे, कई गुना प्रोडक्शन वहां पर होता रहता है, राइट? इसलिए वे डेवलप्ड हो गए, राइट ना? ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ देखने जाए तो द कंट्रीज विच आर इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैव रिमेन्ड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और जो देश इंडस्ट्रीज के हिसाब से बैकवर्ड रह गए, यानी जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई, वे देश इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए, वहां इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, राइट? दिस इज बिकॉज दे हैव नॉट यूज्ड देयर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली। और वे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड क्यों रह गए बच्चों? क्योंकि उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों, उनका वे सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, राइट? बच्चों, कुदरत तो सबको नेचुरल रिसोर्सेज देती है, लेकिन कुछ देश हैं जो उन नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करके दिखाते हैं। और जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही होना है। और जो देश उनके नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते बच्चों, उनका क्या हुआ हाल होता है? यस, इंडस्ट्रीज वहां नहीं ज्यादा डेवलप होती, और इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होता, राइट ना? इंस्टेड ये जो बैकवर्ड कंट्रीज है बच्चों, डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, दे सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज टू द इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस एट चीपर प्राइस। ये जो एशिया और अफ्रीका की ज्यादातर जो कंट्रीज है बच्चों, और लेटिन अमेरिका की ज्यादातर कंट्रीज है, वे क्या करती हैं? वे अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें सेल कर देती हैं, राइट? किन कंट्रीज को? यूएसए, जापान, रशिया, ओके, ऐसी कंट्रीज को सेल कर देते हैं। यानी जिन नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पर वे इकोनॉमिकली डेवलप बन सकते थे, उन्होंने उन्हें ही बेचना शुरू कर दिया, राइट? और वो भी सस्ते दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में बेच देते हैं, एंड परचेज फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम देम एट हायर प्राइस। और क्या करता है? नेचुरल रिसोर्सेस डेवलप कंट्रीज को बेच दिए। अब वो डेवलप कंट्रीज क्या करेगी? उन नेचुरल रिसोर्सेस में से नई नई चीजें बनाएगी, और वो नई चीजें ये बैकवर्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास से परचेस करेंगी। यानी खुद के ही नेचुरल रिसोर्सेस से बनी फिनिश्ड गुड्स वे परचेस करते हैं एट हायर प्राइस, बड़ी कीमतों में परचेस करते हैं। यानी इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों कि ये नेचुरल रिसोर्सेस सेल करने की बजाय क्या करना चाहिए था इनको? यस, हाँ, कि इंडस्ट्रीज में उनका इस्तेमाल करना चाहिए था। और जो डेवलप नेशंस कर रहे हैं ना नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स, यूजेबल कॉमोडिटीज बना रहे हैं, वे उन चीजों का, ये बैकवर्ड कंट्रीज है, उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए, खुद को ही बनाना चाहिए था इंडस्ट्रीज में,
राइट, लेकिन ऐसा नहीं किया, राइट ना, इसलिए बैकवर्ड रह गए। दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इस प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बिना, विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, समझे बच्चों। सो अगर आपको बच्चों ये सवाल पूछा गया कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, तो आपको ये कहना होगा, राइट डियर, ओके। अब अगर आपको ये पूछा गया बच्चों कि एक्सप्लेन, और यू कैन से राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, अब आप खुद भी ये जानना चाहोगे ना कि भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा है, इसकी शुरुआत कैसी रही। तो बच्चों इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब ब्रिटिश रूल तो में तो आप पढ़ ही गए हो नाइन्थ स्टैंडर्ड में, कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस यहां से चीपर रेट्स पर सस्ते दामों में खरीद कर ले जाते थे, इंग्लैंड में खुद की इंडस्ट्रीज में उन्हें यूजेबल कॉमोडिटीज में कन्वर्ट कर देते थे और बेचने के लिए यहां पर ही आते थे, राइट। और उनकी जो अनजस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज थी बच्चों, इनकी वजह से क्या हुआ था, हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स था बच्चों, बिजनेस था, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया था, किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, ताकि उनका बिजनेस यहां चल सके, राइट ना। लेकिन फिर भी आज के दौर में अगर देखा जाए बच्चों कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट 29% ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो टोटल नेशनल प्रोडक्शन है बच्चों, जीडीपी आप कह लीजिए, तो उसका 29% तो सिर्फ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो पैदा करके देती है बच्चों। यानी इंडिया अगर 100 रुपये कमाता है साल में, 100 रुपया कमाता है, तो 100 रुपये में से 29 रुपीज इंडस्ट्रीज देती है, राइट। अब इन 1853 बच्चों, ये जो साल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वन मार्क के ऑब्जेक्टिव में मोस्ट टाइम पे ईयर से बच्चों आपको ये पूछे जाने वाले हैं, ये दिमाग में रख के चलिएगा, ओके, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। इन 1853 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल वॉज स्टार्टेड, राइट। 1853 में, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले, 1853 में पहला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी कंपनी कह सकते हो, फैक्ट्री ऑफ आयरन फर्नेस यानी लोहे की भट्टी आप कह सकते हो, लोहे, लोहा बनाने की भट्टी पहली बार, ओके, इस्टैब्लिश की गई थी, चारकोल बेस्ड थी ये बच्चों, चारकोल यानी ये जो कोयला होता है बच्चों, कोयले पर, ओके, कोयले की भट्टी में इस लोहे को बनाया जाता था बच्चों, राइट। तो वो कंपनी शुरू हुई थी, लेकिन क्या हुआ, फेल गई थी, राइट, चल नहीं पाई थी, राइट। और बच्चों आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं, किसी भी देश के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसी इंडस्ट्री पर दूसरी कई सारी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती है, दिस इज द मेन इंडस्ट्री, राइट। तो 1853 में हमने ये शुरुआत की थी, लेकिन फेल गए थे बच्चों। 1853 में दूसरा भी एक इवेंट बना था, याद करा दूं आपको, यस, फर्स्ट रेलवे शुरू हुई थी, राइट, आपको यहां नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी मैं आपको, आपकी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, इस आंसर में इस पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रेलवे कहां तक, ओके, मुंबई टू थाने,
ओके तो ये शुरू हुई थी किस साल में, 1853 में बच्चों, राइट। एनीवेज तो 1853 में फर्स्ट आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल शुरू हुई थी लेकिन फेल हो गई थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1853 के बाद में 1854 में, 1854 में दूसरे ही साल यानी 1853 में फर्स्ट फर्नेस आई और 1854 में सेकेंड, ओके इंडस्ट्री आ रही है। देखो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन मुंबई, भारत की पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी मुंबई में, किस साल में, 1854 में। 53 में क्या हुआ था, जैसे मैंने कहा फर्स्ट रेलवे और आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल, राइट, ये दो इवेंट हुए थे। और दूसरे ही साल 54 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर केबीसी में अगर आप जाते हो और अमिताभ बच्चन अगर आपसे पूछो बोलो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ इस्टाब्लिश हुई थी, तो आपको जवाब आना चाहिए ऑप्शन देने से पहले ही, मुंबई में, किस साल में, 1854 में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखिए 1855 में फर्स्ट जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एट रिश्रा इन कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में है, राइट बच्चों। तो 1853 में क्या हुआ, यस फर्स्ट आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल, 1854 फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन मुंबई, 1855 जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट रिश्रा इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, राइट। उसके बाद 1874 में फिर से आयरन इंडस्ट्री की कोशिश की गई, जैसे मैंने कहा इसकी तो बहुत ही जरूरत है बच्चों, ये इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू नो इंडस्ट्री फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज। तो सेकेंड ट्राई की गई, एन आयरन ओर मेकिंग फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड एट कुल्टी, जो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन बट इट वॉज क्लोज्ड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद वे बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर से इट वॉज रीस्टार्टेड इन 1881 में, 1881 में फिर से शुरू की गई थी। लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट हुआ था बच्चों, ये देखिए इन 1907 में द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं, वॉज स्टार्टेड एट जमशेदपुर, राइट, और विच वॉज द लार्जेस्ट एंटरप्राइज इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। सोचो बच्चों कि इतनी दो दो बार कोशिश की गई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने की, लेकिन नहीं कर पाए थे, लेकिन 1907 में हमारे ही गुजरात के नौसारी में रहने वाले जमशेद जी टाटा, राइट, अ पारसी गाय, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को उन्होंने इस्टैब्लिश कर दी जमशेदपुर में, और वो भी लार्जेस्ट एंटरप्राइज, अभी तक जितने भी आयरन मिल्स, आयरन एंड स्टील कंपनीज इस्टैब्लिश हुई थी बच्चों, उन सभी से ये लार्जेस्ट थी, सबसे बड़ी थी, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट से पैसे लिए बिना प्राइवेट में, अकेले ने, यू नो जमशेद जी टाटा ने ये शुरुआत की थी बच्चों, और इसीलिए जिस सिटी में शुरुआत की थी ना, उस सिटी का नाम ही उनके नाम से रख दिया गया, जमशेद जी टाटा के नाम से जमशेदपुर,
राइट बच्चों, और इस प्रकार हमारे यहां इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी बच्चों। सो डियर चिल्ड्रन, आपको याद रहेगा, यस मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, 1853 में क्या हुआ था? यस 1853, हाँ, फर्स्ट आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल और फर्स्ट रेलवे, राइट ना? ओके, उसके बाद 1853 के बाद 1854 में नेक्स्ट ईयर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद 1855 में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टाटा कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1907 में। ये साल आपको याद रहने चाहिए बच्चों, राइट? सो डियर चिल्ड्रन, इन टुडेज सेशन वी डिस्कस्ड द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट? इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट? टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ टुडेज लर्निंग, बाय।